हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आप सोच रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम सब की सब लेडीज़ हैं और लेडीज़ का एक ग्रुप जा रहा है कहीं घूमने के लिए, और यहाँ पे ड्राइवर के सिवा कोई भी आदमी नहीं है। तो पूरे रास्ते हम मस्ती करते हुए पहुँच गए हैं। अब प्रतापगढ़ का फॉर्म हाउस है वहाँ पे, तो आज आपको मैं वहाँ का टूर करवाती हूँ। तो चलो पहुंच गए दोस्तों हम प्रतापगढ़ के फार्म हाउस में। अंदर चलेंगे और सारे आगे पीछे हो रखे हैं सबके साथ। पूरी और ठंडा वैसे कुछ है नहीं, तो इसलिए हम स्वेटर और शॉल बस में ही रख के आए हैं। तो ये है दोस्तों मेन गेट जो प्रतापगढ़ का है, और यहाँ से होती है अंदर एंट्री, और एंट्री करने के बाद ही टिकट घर है, आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। तो अब सब जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो ये देखिए किसने बनाया है, ये सब यहाँ पे एक्सप्लोर हो रखा है, तो आप देख सकते हैं। ये मेन गेट है। रिक्शा ले रही है टिकट, और अभी सबके साथ फिर अंदर एंट्री करेंगे। अभी वेट करें। तो यहाँ पे थे नंदी जी, और उनसे आप कुछ अपनी सीक्रेट वाली विश मांग सकते थे। तो सबके सब यहाँ पे अपनी विश मांग रहे हैं। तो मैंने भी चुपके से उनके कानों में एक सीक्रेट विश मांग ली है, देखते हैं कब तक पूरी होती है। ये बैंड ले लिया सबने। तो यहाँ पे टिकट के साथ ही इंक्लूड है खाना, जो है ब्रेकफास्ट और लंच, और साथ के साथ है सारी की सारी एक्टिविटीज जो टिकट के साथ ही इंक्लूड है, और ये काफी अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा था सिटिंग का एरिया, काफी था, काफी जगह सिटिंग का एरिया बना रखा था उन्होंने। खाने की काफी सारी स्टॉल लगी हुई थी, और ये था मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। इसमें मतलब काफी चीजें बनी थी, आलू का साग था, वो सीताफल की सब्जी थी, रायता था, और रोटी, पराठा, जलेबी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। पराठे हैं, मीठे में जलेबी है। यहाँ पे स्टॉल था गोलगप्पों का, चाट पापड़ी का, भेलपूरी का, चीला वगैरह ये सब। तो यहाँ पे बने हुए थे ऐसे रूम, और जहाँ पर ये लेडीज बैठी हुई थी खाना बना रही थी, आप बैठ के आराम से खा सकते हो। और यहाँ पे इसका ये जो लिखा हुआ है ना, वही चीज़ें बन रही थी वहाँ पे, और ये बन रहा है यहाँ पे दूध और जलेबी। स्टॉल लगे हुए ऐसी जगह जगह, यही वही है बाजे के रूम। तो यहाँ पे था मक्की की रोटी और सरसों का साग, और ये देखिए ऐसे दो दो लेडीज़ बैठी हुई थी एक बड़े से रूम में, और ये है ऐसा रूम खुला सा, और यहाँ पे बैठ के खाने के लिए भी था, सिटिंग एरिया भी था मतलब यहाँ पे। यहाँ काफ़ी मात्रा में नींबू पानी और जो छाछ होती है मसाले वाली वो मिल रही थी, आप जितना भी पी सकते हो, कोई मना नहीं करता है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें थी खेलने के लिए, ये देखिए बैडमिंटन भी है, यहाँ बच्चों के लिए कूदने के लिए भी था नेट, और बड़े भी कूद सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं।
छोटे बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पे झील भी थी और जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हो, पर स्कूल के बच्चे ज़्यादा हो रखे थे तो इसलिए हमने नहीं करी, हमने बोला बच्चों को ही झूलने दो। और ये है रोप ब्रिज जो काफ़ी हिल रहा था, खुला है, इसमें जा रहे हैं और नीचे ऐसे करके साइड में बना हुआ है। क्यों ठीक था? नहीं गिरती ना, आ जा। पहुंच गई और दीदी और आ रहे हैं सारे। कितना हिल रहा दीक्षा, मेरे साथ कन्नी रह गई सबसे। तो ये पनगढ़ बना रखा है, यहाँ से तुम रस्सी से पानी खींच सकते हो। तो ये अलग से जगह थी वो रोप वाला, जो ब्रिज पार करने के बाद ये अलग सा स्पेस था। यहाँ पे भी सारे स्पोर्ट्स था, गेम्स थे, झूले थे, सब कुछ था यहाँ पे, और काफी खुली जगह पे बना रखा था ये सब। हमारी साथ की सारी लेडीज यहाँ बैठ गई हैं। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज का अलग अलग बात है, ये देखो नहाने के लिए, लेडीज के लिए अलग, और मड बाथ भी है। ये मड बाथ काफी सूख रखा है। तो हॉल बना रखे हैं बड़े बड़े, इसके अंदर है कि नहीं है देखते हैं। हाँ, यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स का सामान रखा है और वो टेबल टेनिस। यहाँ थे अलग अलग मिरर जिसमें अलग अलग शेप दिख रही थी, तो मैं भी खड़ी हो गई एक मिरर के आगे। दीदी बन गई है शॉपकीपर, गेम्स खिलाने के लिए। ये खेलेंगे हमारे, तो इसको देखकर आपको भी याद आ गया होगा अपना बचपन, जैसे मुझे याद आया। और मैंने भी देखा, इसमें अभी भी वैसी पिक्चर्स दिखती हैं और सारे बच्चे ही चिपके हुए थे स्कूल के यहाँ पर। अब यहाँ आए हम, और यहाँ पर आप ड्रेस पहनकर आप अपनी फोटो खिंचा सकते हो, मेहंदी लगवा सकते हो। यहाँ पर गांव से रिलेटेड सारी चीज़ें थी, ये आप यहाँ पे फ्री में कर सकते हो आराम से बैठ के, जब तक करना चाहो। को नमस्कार कीजिए, तो क्या तो तेरा डांस होगा और क्या बच्चे मैडम खुश होकर जाएंगे। ₹700 का
यहाँ पर थी साइकिल जिसपे आप बैठ के अपनी फोटो खींच सकते हो। धूप लगी है, पीछे है यहाँ झूले और यहाँ थोड़ा वहां से कम शोर हो रहा है। ये ऑर्गेनिक खेती है यहाँ पे। ये लग गयो से, मतलब प्लांट लग गयो से, ये देखो। मोटे बकटे हैं, धूप सेक रहे हैं और ये सब फ्लावर लगे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। और ये है शुतुरमुर्ग के अंडे। ओहो, क्यों रखे हैं इधर उन्होंने ऐसे? ओदे ये हल लगाने के लिए यहाँ पे हल लगा सकते हैं, तो मैं सोचूं कि मैं भी लगा लूं एक बार हल। तो ये स्पोर्ट्स भी था यहाँ पे, मैंने भी किया इसको। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सबके सब इसको करने के लिए लाइन में लगे हुए थे। और इसमें सारे ज्यादातर बच्चे स्कूल के ही थे, तो इसलिए हम ये गेम नहीं कर पाए। ये सब एक्टिविटी करने के बाद हम निकल गए लंच करने के लिए, क्योंकि लंच खुल चुका था। खाना खाने के बाद आ गई मैं इस स्टॉल पर, तो यहाँ पे घी था गाय का भी और भैंस का, शहद था और जो गाय के गोबर से बनते ना कंडे वो भी थे। तो अब निकल रहे हैं हम घर की तरफ और सबके सब काफी थक गए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, और ये था कि यहाँ पे टिकट के साथ सब चीजें फ्री थी, फ्री 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 सब चीज़ें। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर भी कर देना। बाय दोस्तों।